कांप उठेगा हर एक गोला जब आएगा अपना भोला। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनियल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, भोला आपका गोला, अजय देवगन स्टारर भोला, जो कि 30 मार्च को रिलीज हो रही है। दोस्तों, एक सॉन्ग, चार्टबस्टर ट्रेलर, माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, बिहार, जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन बिहार फैंस क्लब ने मचा दिया है। उनका एक ट्वीट आया है, एक फ़ोटो, एक लोगो उन्होंने पोस्ट किया है, जहाँ पे उन्होंने लिखा है, दोस्तों बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है अजय देवगन फैंस क्लब, जी हाँ, बिहार पटना में। दोस्तों तो दोस्तों, हालांकि आपको बता दूँ, अजय देवगन की लास्ट मूवी तानाजी जब रिलीज हुई थी तो बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेशन हुआ था थिएटर्स के बाहर, और मज़ा आया था देखने में। जी हाँ, हालांकि आपको बता दूँ कि जब दृश्यम आया था तो दृश्यम के वक्त जैसा सेलिब्रेशन होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन सलमान खान के फैंस करते हैं और अक्षय कुमार के फैंस करते हैं, आप सभी को पता है। अभी पठान से शाहरुख खान के फैंस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, अजय देवगन के फैंस क्लब जो है, अब भोला से वो लोग अपने सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों तो गाइस, भोला बोले तो एक मच अवेटेड मूवी है, और अजय देवगन दृश्यम 2 के बाद बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं 30 मार्च को, और ये मूवी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धमाका करेगी, बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो एक्सपेक्टेशन है मूवी से, वो बॉक्स ऑफिस पे खरी उतरेगी, क्योंकि भोला का जो इंटरेस्ट है बुक माई शो पे अच्छी खासी है दोस्तों, और ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए पागल है। हालांकि ये मूवी रीमेक तो है, लेकिन अजय देवगन की मूवी रीमेक जरूर होती है, लेकिन हटके होती है, सभी को पता है दोस्तों। और अजय देवगन को ऐसे नहीं बोला जाता है, रीमेक का सिंगम। जी हाँ दोस्तों, अगर रीमेक बनाना किसी से सीखना है तो आप अजय देवगन से सीखो, क्योंकि रीमेक बंदा इतना ज़बरदस्त बनाता है ना यार, माइंड ब्लोइंग। और भोला का ट्रेलर से झलक रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत किया रीमेक के पीछे। दोस्तों तो गाइस, आप कितना एक्साइटेड हो भोला मूवी 30 मार्च को देखने के लिए और सेलिब्रेशन? जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप सेलिब्रेशन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल आइकन का घंटा है उसको भी दबा देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।